गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 के सब्जेक्ट खत्म होते हैं लेसन नंबर 4 रोजन। हमने कल एक उदाहरण और एक क्वेश्चन देखा था, आज उदाहरण नंबर 4 देखेंगे। इसके अंदर मार्ग संबंधित शब्द भी ये रोजन था। माल संपत्ति संबंधी योजना का मतलब कि माल संपत्ति खाते का नियम जो है, इसके अनुसार यहाँ पे हमें योजना था। माल संपत्ति खाते का नियम है कि यदि धंधे में माल या संपत्ति आए तो उधार करो, और धंधे में से माल या संपत्ति आए तो नियम के अनुसार हमें योजना था। उदाहरण नंबर 4 में गोकुल ट्रेडर्स के मिनरल की व्यवहारों का योगदान क्या है, तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे गोकुल ट्रेडर्स का। अरे कितना होता है योगदान, एक तारीख का व्यवहार है, रुपया 10,000 रोकड़, 10,000 का मार्क और 5,000 का फर्नीचर रखकर धंधा का प्रारंभ। यहाँ पे रोकड़ भी धंधे में आ रही है, तो रोकड़ संपत्ति है, आए तो उधार। मार्क ये भी आया है तो मार्क आए वो भी संपत्ति है, तो उधार। फर्नीचर भी धंधे में आ रहा है तो फर्नीचर भी संपत्ति है, तो फर्नीचर भी उधार होगा। और धंधा का प्रारंभ किया है तो पूंजी खाते जमा होता है। रोजगार का लिखेंगे रोकड़ खाते उधार रकम 10,000, उधार के खाते में 10,000। इसके बाद माल स्टॉक खाते उधार दस। इसके बाद फर्नीचर खाते उधार फर्नीचर की रकम में 5। व्यवसाय का प्रारंभ क्या है तो पूंजी खाते का। रकम होगी जितनी उधार रकम होगा टोटल होगा तो 25,000 जमा। जितना लिखेंगे रोकड़ मालिक और फर्नीचर रास्ता धंधा का प्रारंभ किया है, जितना में लिखेंगे माल शॉप और फर्नीचर लाकर धंधा प्रारंभ। मथुरा ट्रेडर्स में से 5,000 का माल खरीदा, मथुरा ट्रेडर्स में से 5,000 का माल खरीदा। माल खरीदा है तो धंधे में संपत्ति आने का, तो 3,000 मथुरा ट्रेडर्स में से खरीदा। यहाँ पे कभी भी रोकड़ शब्द का उल्लेख हुआ नहीं है, व्यक्ति का नाम का उल्लेख है तो ये उधार हुआ है। माल संपत्ति खरीदा खरीदी होने का उधार होता है, तो खरीद खाते उधार रकम 5,000।
Mathura Traders. Di Grand Union Mathura Traders Mese Mathura Hari Chati Nyakat Mahdika Nyakat Mahdika To बिक्री हुई बिक्री होती है तो धंधे में रोकड़ आती है और माल जाता है रोकड़ आए तो उधार होता है और धंधे में से माल या संपत्ति जाए तो जमा होता है और बिक्री हमेशा जमा होता है तो रोकड़ क्या होगा रोकड़ खाते में जाए क्योंकि रोकड़ माल बेचता है धंधे में रोकड़ आ जाता है रोकड़ खाते उधार बिक्री खाते नकल चार विवरण में लिखेंगे रोकड़ माल बेच आते ऋषिकेश के पास 8000 का माल खरीदा आधी रकम रोकड़ से चुकाई माल खरीदा आधी रकम रोकड़ चुकाई आधी रकम चुकाने मतलब आधा रोकड़ हमारे और आधा उधार हो तो जितना रोकड़ हमारे उसकी रकम रोकड़ पे लिखेंगे जिसका आधा आधा उधार है तो उधार की रकम व्यक्ति के नाम में जो हम उधार जमा करेंगे उसमें खरीदा है तो जमा करेंगे पहले माल खरीदा है तो 8000 का माल खरीदा है खरीदा है तो खरीद हमेशा उधार होती है तो इसी तारीख खरीद खाते रकम 8000 आगे आधी रकम रोकड़ में चुका आधी रकम चुकाई तो 8000 का आधा 4000 माल खरीदा है रोकड़ जा रही है तो रोकड़ खाते ये आधा रोकड़ का हमने लेखा कर दिया अब आधा उधार क्या है उधार क्या है बराबर तो किसके पास से खरीदा है ऋषिकेश के पास तो ऋषिकेश खाते रकम चार विवरण लिखेंगे ऋषिकेश के पास से माल खरीदा आधी रकम रोक पर चुका आगे
Kita boleh tarik sah. Madura traders ko 1600 का माल वापस किया. मथुरा ट्रेडर्स को वापस किया. हमने मथुरा ट्रेडर्स के पास से माल खरीदा था, तो मथुरा ट्रेडर्स को हमने खरीदा हुआ माल हम मथुरा ट्रेडर्स को वापस कर रहे हैं. मतलब कि खरीदा हुआ माल वापस, तो खरीद माल वापसी. खरीद ही उधार होता है, खरीद माल वापसी जमा होता है. यहाँ पे मथुरा ट्रेडर्स को वापस किया है, तो व्यक्ति फंसे का नियम लगता है कि व्यक्ति लाभ लेने वाला हो तो उधार करो, लाभ लेने वाला हो तो जमा करो. तो यहाँ पे मथुरा ट्रेडर्स माल लेने वाला हुआ तो उसके खाते उधार होगा, और खरीदा हुआ माल वापस धंधे में से माल वापस जा रहा है, मतलब खरीद माल वापसी खाते जमा. तारीख सात मथुरा ट्रेडर्स खाते उधार, खरीद माल वापसी खाते का सोलह सौ का माल वापस कर रहे हैं. विवरण में लिखेंगे मथुरा ट्रेडर्स को माल वापस किया, प्रधानमंत्री राहत कोष में 600 का माल दिया. प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया है, मतलब के धर्मदा खर्च का उधार लिखा जाएगा. और माल दिया है तो किसी भी माल धंधे में से जाता है, तो हमेशा वो खरीद खाते जमा किया जाता है. तो रोजना का लिखेंगे धर्मदा खर्च खाते उधार रकम है, खरीद खाते का रकम लिखेंगे प्रधानमंत्री राहत कोष में माल दिया, तारीख दस दुकान के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स तराजू मशीन खरीदा. यहाँ पे तराजू मशीन, जब तराजू शब्द आए तो उसको डेढ़ स्टॉक खाते लिखना है. मशीन है, मशीनरी धंधे में आई है तो संपत्ति है बराबर, तो संपत्ति खाते उधार होता है. तो यहाँ पे तराजू मार्ट है तो उसको डेढ़ स्टॉक खाते उधार लिखा जाएगा, और रोकड़ खरीदा है तो रोकड़ खाते जमा. स्टॉक खाते उधार रोकड़ खाते का रकम है 450. विवरण में लिखेंगे तराजू मशीन खरीदा, श्री बर्शाना प्राइवेट लिमिटेड के शेयर 900 दर रुपया 30 के भाव से खरीदा, 2% दलाली चुकाई, दोनों रकम चेक से चुकाई.
कंपनी का शेयर खरीदा है तो शेयर जो है संपत्ति बराबर तो धंधे के अंदर संपत्ति आया है। शेयर खरीदा है तो उसका लेखा होता है शेयर में विनियोग करने हुआ। इसके बाद 2% दलाली का है। कोई भी संपत्ति खरीदा जाए उसके पीछे कोई भी खर्च होता है, स्थापना खर्च हो, मजदूरी खर्च हो, रजिस्ट्रेशन का खर्च हो, ऐसा कोई भी खर्च होता है वह संपत्ति में जुड़ा जाता है। तो यहाँ पे भी शेयर खरीदा है बराबर 100 शेयर खरीदा है 30 के बाद और 2% उसने दलाली पाया। तो पहले हम उसका रोजगार कर लिखेंगे करना शेयर में विनियोग खाते का यहाँ पे रोकर नहीं चुकाया, चेक दिया। जब चेक दिया होता है तो वो बैंक खाते जमा होता है। तो बैंक खाते यहाँ पे 100 शेयर खरीदा है बराबर और 1 शेयर का भाव है 30 रुपया। 100 शेयर × 30 रुपया भाव है तो 3000 बराबर। इसके बाद 2% दलाली चुकाया, 2% दलाली चुकाया तो 3000 × 2/100 तो 60 रुपया दलाली बराबर। तो टोटल हुआ 3000 रुपया शेयर का, शेयर की कीमत और 60 रुपया दलाली टोटल हुआ 3000। तो 3060 रुपया चुकाया। विवरण शेयर खरीदा, कैश शेयर का चुकाया। केदारनाथ को 4000 का माल बेचा, केदारनाथ को बेचा बराबर। केदारनाथ को बेचा है तो उधार व्यवहार है, केदारनाथ माल लेने वाला हुआ तो लिखा जाएगा केदारनाथ खाते उधार खाते का रकम है 4। केदारनाथ को आगे Thank you.
Minsan. Rupiah pandasok kamar aksi nasdua. Pandasok kamar aksi nasdua. Berapa? Minus 2, kemudian dengan 2. So, aksi 2, bukan kami udah. Bukan kami saudara rotan. Or, aksi minus 2. So, agar ini cuman dijawabkan. So, khalid. Berapa huruf? Pandang. Bintang ini tinggi. Aksin. Manas dua. Aksin. Tarik balik. Kedangan si agama bapak surat. Kedangan ko memang kita tak. Mesti memang bapak siap. Tetapi kita bapak mal bapak saja. Bikri jama mungkin ya. Bikri mal waksi juga. So bikri mal waksi hati juga. Jab kedangan ko bicara atau kedangan kata udar tiada, atau kedangan tiada, atau kedangan kata kita. Agama apa saja? Cara dan kabinetnya, cara dan kada, doa. Di mana ini? Kedangan te agamal wapas kia ayo takis nihi uke tini pansoka maane te nihi uke tini liya hai to aare तो आहर खाते उधर अन्य इसे माल की जावन है तो खरीद खाते का रकम पांच विवरण में लिखेंगे निजी उपयोग के लिए माल ले गए Bari 18 Bersihkan perbincang partai se 3000 ka perbincang cerita Jakti ka naam ka unghiliki naam To yeo bhaar jawa hai Perbincang raha raha hai To perbincang khake udhaar Bansi Furniture Mart Khate Rekam Tine Dibran Tine Bansi Furniture मार्च में से फर्नीचर खरीदा आगे तारीख 30 लास्ट नंबर है चांदनी को 1000 का माल 20% लाभ लगाकर देगा उनकी
जीरो से लाइन बना क्या 50 चुकाया। चलो चांदनी को 1000 का मान 20% भाग खड़ा करिए। एक हजार का मान लेगा गुणा 20% लाभ, तो 20 बटे 100 तो 200 रुपया लाभ हुआ। तो 1000 कीमत माल की कीमत प्लस 200 रुपया लाभ, तो 1200 रुपये का मान लेगा बराबर 1200 का मान लिखा है और 50 रुपया लारी भाड़ा चुकाया है, तो और 50 रुपया लारी भाड़ा, तो क्या 50 रुपया लारी भाड़ा टोटल हुआ 1250। करोड़ का लिखेंगे चांदनी खाने उधार, माल बेचा है तो बिक्री खाते का लारी भाड़ा चुकाया है तो रोकड़ खाते का। यहाँ पे लारी भाड़ा का अलग अंकन कर सकते हैं कि रोकड़ खाते का लारी भाड़ा का तो उधार रोकड़ खाते का हमने साथ में विवरण चांदनी को माल बेचा लारी भाड़ा चुकाया। ओके और जितने भी हैं सबका टोटल कर देना। अगले वीडियो में हम आगे रोजगार देखेंगे।